No. I'm so sad. पता नहीं मैं क्यों डरी, मैं डरी क्यों, बट मैं डर गई. मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये मैं आज खुद अपने चैनल पे डिक्लेयर कर रही हूँ. तो गुड न्यूज ये है, आप बताओ. को टेंशन लेनी लेनी है, हम सब कुछ कर सकते. मैं तो अभी ने प्लान ही बना लिया. सीरियसली, 7 सालों के बाद बंदे को बुलाया, आइए मेरी बेइज्जती कीजिए. Everybody, welcome to the new vlog. You might be wondering why I'm wearing school uniform. My holidays are finished, sadly, and it's my so I'm going back to school. It's what is it? January the 4th. It's the best day. It's the best day for Daddy because I don't have to be at home. So no. I'm so sad. I have to go back to school, do all my studies. Are you looking forward to it now? No. Oh, you are. Stop it. I'm not. Okay. ASMR. Guys, comment down below if you know what ASMR is. Okay. Maybe they can't hear you. So I'll see you guys when I come back from school. So now, so for now, peace. हाँ जी जी, मैं क्या good morning सारे आनु. तो आज मौसम बड़ा अच्छा है. मम्मी साढ़े गए तो सूरज देवता आ गए. साढ़े मम्मी बेचारे इंतजार करते रह गए. मैं हाँ, एक तो दरवाजा नहीं खुलता पाया. साढ़े मम्मी भी इंतजार करते रह गए कदों मतलब कि सूरज निकलेगा, मैं शहर से जावांगी. पर सूरज देवता आए नहीं. चलो कोई गल नहीं, हुण मम्मी इंडिया च शहर से चले जाऊंगे. फिर जब वापस आऊंगे तो दोबारा शहर से चले जाऊंगे. एनीवे गाइस, आई नो आप लोग बड़े उत्सुक हो रहे हो. फिलहाल मैं जा रही हूँ. ओह माय गॉड, बंद हो जा वीरा, एक मिनट पहले गड्डी खोल लेने. हाँ जी, फिलहाल मैं जा रही हूँ वीर के स्कूल. भाई अपना रोज का बच्चा कुछ भूल गया, अब माँ जा रही है देने. ये तुम्हारा काम है? ओह माय गॉड भाई, मैं डर गई. पीछे ना कुछ काम चल रहा है, बंदा ठक ठक कर रहा था. पता नहीं मैं क्यों डरी, मैं डरी क्यों, बट मैं डर गई. एनीवे तो मैं जा रही हूँ अभी के स्कूल. वो बंद भी हो जा, वो उनकी नई एक एक्टिविटी शुरू हुई है. क्या नाम था एक्टिविटी का? क्लाइंब. एक तो मेरे को ऐ नहीं निकलता. मैं कहता इसको निकालना बड़ा मुश्किल है. रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू. इट्स अ बिट टाइट. या जस्ट यू हैव टू पुल आउट. ओह माय गॉड, इट्स वेरी टाइट. Does it come like this or do we have to press this? I don't know. It's your car. Seriously, that's very right. Hang on, man. Oh my God. I think I better ask my husband. Have a look at the handbook. See, you might have to shut the power off first. It says unlock. Oh, sorry. Right. Really sorry. Try it. Yeah, easy. कसम से मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता. ये मैं आज खुद अपने चैनल पे डिक्लेयर कर रही हूँ. गाइस, मैं उस वायर को, मुझे पता नहीं था वो ऐसे निकलती है. एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रिक कार है तो कार चार्जिंग पे थी और वो चार्जिंग वायर को निकालना था. एक स्विच दिया हुआ है लास्ट में अनलॉक करने के लिए, लेकिन मैं लगी हुई हूँ अपने जोश से. बंदा भी बुला लिया मैंने, बेचारा काम कर रहा है, सीधा साधा आदमी साथ वालों का, और मैंने उसको बुला लिया. मैं कभी यही वायर निकाल दो आप. एक तो जो मेरे में अपना इंडियन पन है ना, अपना चलते चलते किसी ने भी राह चो बुला लो, है ना. बंदा भी थोड़ा हैरान सेगा कि एक्सक्यूज मी, आई एम डूइंग माय वर्क, यू डू योर वर्क. यहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है भैया, हेल्पफुल होते हैं लोग, ऐसी बात भी नहीं है. लेकिन यू नो, ऐसे अनजान व्यक्ति को आप जाके नहीं बुला सकते. लेकिन बहन ने बुला लिया, फिर वो बंदा लगा हुआ निकालने. मैंने कहा नॉन, ये नहीं निकल रहा. मैं कुछ और ही गड़बड़े में दिमाग में आया. मैं कहा एक मिनट, कहीं ना कहीं स्विच जरूर होगा. नजर आ गया, फिर निकल गई बाहर. अगर टूट जाती ना मेरी शादी का क्या होता, मुझे खुद नहीं पता. एनीवे गाइस, चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते. तो बस मैं आ चुकी हूँ अभी के स्कूल से और उसकी किट दे आई हूँ. तो उसकी आज एक एक्टिविटी थी स्कूल में और वो अपनी किट घर ही भूल गया था, तो मैं उसकी किट दे आई हूँ. और अब वो समय आ चुका है जब हम आपको बताएंगे गुड न्यूज. तो मम्मी के जाने से पहले सॉरी थोड़ा गले में खराश, यू नो, समझते हो यार, तुम लोग तो अपने हो यार. जल्दी बता दे, मेरी मीटिंग है. तो मम्मी के जाने से पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी उनके साथ, बिकॉज वो हम खुशखबरी आपको यू नो किसी बड़े के साथ देना चाहते थे और मम्मी थी यहाँ पर, तो हमने सोचा कि मम्मी के साथ ही देते हैं आपको. तो इस शॉट के बाद आप वो वीडियो देखोगे. वो वीडियो देखो आप,
और गुड न्यूज को एंजॉय करो, उसके बाद में आपको मिलती हूँ, उस शॉट के बाद मिलती हूँ। तुम जाओ, मैं को कुछ भूख लगी थी, मैं आया था इसलिए कॉफी पीना। दो मिनट रुक ना, मैं बनानी है मक्की की रोटी सरसों साग, दो मिनट रुक मैं बनानी है। नमस्ते। हमने पिछले ब्लॉग में कहा था हम आपको एक गुड न्यूज़ देंगे, तो मम्मी के जाने से पहले हमने उनको रोक लिया दो मिनट के लिए, तो हमने कहा हम उनके साथ ही आपको एक गुड न्यूज़ देंगे। तो गुड न्यूज़ ये है, आप बताओ। रीति नहीं, हम सब इंडिया आ रहे हैं, हम सब इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि तो मैं आपसे इस बारे में डिटेल में बात करती हूँ। पहले मम्मी को भेज देते हैं, उनको सी ऑफ कर देते हैं, फिर मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। लेकिन हाँ, गुड न्यूज यही है कि हम सब इंडिया आने वाले हैं बहुत जल्द। चलो जी, अपना ध्यान रखना, ठीक है? जाओ जाओ, उधर जाओ, फिर मैं एक फोटो खींच लेना। हाँ जी जी, कैसी लगी गुड न्यूज? I'm sure बहुत अच्छी लगी होगी, हमें तो बहुत मजा आ रहा है तैयारी करने में। मैं तो बहुत कम दिनों के लिए जाने वाला हूँ, लेकिन प्रीति सूरी जाने वाली है हमें अकेला छोड़ के यहाँ पे। ये बस यही एक जिसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड हैं, जस्ट टू लेट यू नो, मी और अभी बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। मतलब हम बहुत एक्साइटेड है कि तू जा रही है। रहन दो, दो दिन में तुम्हें नानी याद आएगी, दो दिन में देख लेंगे हम। डैडी देखो पता नहीं क्या चीज होते हैं, वैसे मैं सब कुछ बना बना को जाऊंगी, तो आप देखते रहोगे मैं क्या क्या तैयारियां करने वाली हूँ, इन लोगों को कैसे छोड़कर जाने वाली हूँ यहाँ पर, मैं कब जाने वाली हूँ, सब कुछ पता लगेगा। इसको टेंशन लेनी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो अभी ने प्लान ही बना लिया। तुम लोग कर सकते हो ना सब कुछ, होगा नहीं होगा घर में तो मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम आज सोशल मीडिया में बात बोल रहे हो, 7 दिन के लिए सिर्फ, हमें जरूरत नहीं, उसके बाद पड़ जाएगी, उसे बहुत गंदा होने लग जाएगा घर ना, तो फिर पड़ जाएगी। एक वॉशिंग मशीन मुझे नहीं आती, वो मैं सबसे कहा दूंगी। और कुकिंग में अपना मैंने बोला था, वीकेंड पे ट्रेनिंग है तेरी, 4 घंटे की ट्रेनिंग है तेरी मेरे साथ, मुझे बस ट्रेनिंग में कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। प्रीति बन जाऊंगा 18 साल में तो बन नहीं पाया। बड़े प्यारे, मैं कसम से कहनी बहुत प्यारे है। जाओ कर लो अपनी कॉल कूल, जा रहा हूँ मजा आ जाएगा है ना। लेकिन मैं चाहता था कि ये पहले जाए, क्योंकि ये थोड़ा इसको ऑब्वियसली हॉलीडे अप्रूवल ही लेना पड़ता है, मुझे लेना पड़ता है। I work for myself. She works for herself. और दूसरा, अबीर की छुट्टियां भी नहीं हो पाती इतनी सारी, तो मैंने और अभी डिसाइड करा कि हम बाद में जाते हैं और प्रीति को पहले चली जाए, क्योंकि शी विल स्पेंड सम टाइम एट होम। आज सुबह हम उसके स्कूल में मिला आए हैं, स्कूल में मीटिंग कर आए हैं, तो बस एक चीज अच्छी है, मतलब कि दे आर फाइन विद इट, बिकॉज़ दैट बेसिकली दिस इज एन एक्सपीरियंस, ही शुडंट बी मिसिंग, या ही शुडंट बी मिसिंग दैट। और हम लोग ज्यादा दिन के लिए स्कूल मिस नहीं कर रहे हैं, तो वो तो खैर आपको सारी डिटेल्स मिल ही जाएंगी। तो बस एक्साइटेड हूँ, और यार जाकर मुझे बड़े सारे काम करने हैं। बुकिंग हो चुकी है, वीजा आ चुके हैं, वीजा भी आ गए हैं हमारा, वो OCI वाला यार, एक्चुअली मेरा तो OCI चेंज कराने वाला हो गया ना, क्योंकि वो मेरे पासपोर्ट चेंज, हाँ इसने पासपोर्ट चेंज कराया, अभी का पासपोर्ट चेंज हुआ, तो इनका OCI भी चेंज होना है, लेकिन मैंने तो अब तक अप्लाई नहीं करा। एनीवे कोई बात नहीं, अब वीजा है अपने पास, हम जाएंगे अपना इंडिया और खूब धमाल करेंगे, और आप हमारे साथ धमाल करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, और भैया उर्वशी भानु भी आ रहे हैं, वो भी वहीं पे हैं, तो वो भी वहीं पे हैं, तो वो उनसे भी मिलना होगा। सीरियसली आई कांट वेट टू सी चिया, तो चिया मासी आ रही है यूके वाली, मामू से मिलेगा अबीर पहली बार। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात, अबीर अपने मामू से पहली बार मिलेगा, पहली बार इन द सेंस, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मिला था तो अबीर सिर्फ 1 year 4 months का था, तो आप समझ सकते हो इतना बड़ा भी नहीं था वो, नहीं 1 year 4 months का था, चलता था अभी, हम लॉन्ग वीक गए थे, करते ही रहते हैं हर 2-3 घंटे बाद एक दूसरे के साथ। तो जब से अबीर ने बातें करनी शुरू करी, अब से 4-5 साल का हुआ है, तब से वो हर चीज मामू के साथ डिस्कस करनी, तो वो एक चीज है कि उसको मामू के बारे में पता है। हाँ, मिला कभी नहीं है, तो पहली बार मिलेगा, और मैं खुद अपने भाई से कितने सालों के बाद मिलूंगी, सीरियसली 7 सालों के बाद, वो समा ही कुछ और होगा, वो मौसम ही कुछ और होगा, जब मैं अपने भाई से मिलूंगी, और आप लोग मेरे साथ रहोगे, सबको रहना है मेरे साथ, ठीक है? बहुत मजे करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, ऐसे ही बने रहिए और अपनी दुआएं देते रहिए। मुझे एक बात बताओ, मुझे कौन बताएगा कि गाड़ी में वो स्विच है, वो अनलॉक का, वो केबल निकालने के लिए, तेरे को पता, मैंने ऐसे करने लग गई थी उसको, बंदे को बुला लिया,
बंदा काम कर रहा था, मैंने कहा कैन यू प्लीज कम, उसके मैंने उसे बोला ये क्यों नहीं बाहर आ रहा, कह रहा मुझे क्या पता तुम्हारी गाड़ी है इतनी बेइज्जती सुबह सुबह कुछ कहते ना, बंदे को बुलाया आइए मेरी बेइज्जती कीजिए। तो गाड़ी में जब उतरते हो लिखा आता है स्क्रीन पे अनप्लग केबल और, अच्छा वो भी आता है लिखा, अगर तुम्हारी केबल लगी हुई है तो अगर उसको अनप्लग करना है। नहीं गाड़ी से निकल के ऐसे लगी होगी, ये तो बहुत गलत बात बोली आपने, लगी हुई थी मैं लगा, हाँ आप लगी हुई थी तो मैंने, मैं जैसे निकली मैंने कहा उसको निकालते हैं फिर गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में अगर बैठ, अगर बैठ भी जाते हैं पहले तब भी लिखा होता उसमें। अच्छा ये भी मुझे नई चीज, केबल नहीं अनप्लग कैसे करेंगे तुम, ऐसे वो वापस कैसे जाएगी, मैं अंदर से अनप्लग कर दूंगी जाएगी वो अनलॉक हो जाएगी, तो तूने क्या ऐसे निकाल दी उसको? मैं तो पहले दिन से ऐसे कर रही हूँ, वो तो मुझे गलती तुम्हारी नहीं, क्या हो गया इतना बुरा क्यों? मेरी कॉल है भाई यार, वेरी सॉरी मुझे आज पता लगा, सॉरी मेरे से मत हो, मेरे पास पैसे नहीं है इसको ठीक कराने के।